अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आलिया सिलाई कटिंग। आज हम कॉलर नेक के ऊपर जो डिज़ाइन है उसे बनाना सीखते हैं। बना लेना है इस तरह से, थोड़े से हल्के से हमारा निशान आ जाएगा इधर साइड, इस साइड इस निशान पे हमें स्टिच करना है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है सिलाई, फिर इसे कट करके सामने की तरफ से फोल्ड कर देंगे, पलटा देंगे। देखिए चलिए, ये राइट साइड में इस तरह से कपड़ा रखना है, ये कट है हमारे, कट के ऊपर ये इस कट को इस तरह से सेट करते हुए सेंटर की सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये हमारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये कट शेप हमने स्टिच कर लेना, नेक को नहीं कट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर अंदर से रखना है, नोक निकाल लीजिए, सामने की साइड में इस तरह फोल्ड करना है। टाका मैंने फ्री रखा है, टाका छोटा कर देते हैं। सबसे पहले इसे कट कर देंगे, क्या सिलाई से थोड़ी दूर से कट कर देंगे, यहाँ हमारी सिलाई है इसे थोड़ी दूर से कट करेंगे इस तरह से। ये जो नेक हम तैयार कर रहे हैं, इस नेक के बॉडी की कटिंग स्टिचिंग आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, पार्ट वन पार्ट टू नायरा कट में स्टाइल में, यहाँ तक सिलाई आ रही है, आप वहाँ से देख लीजिए। लगाना है जहाँ गोल शेप है वहाँ पे कट लगाएंगे, इस तरह से कट लगाते चले जाएंगे, सिलाई नहीं करनी चाहिए। इसे हमने फोल्ड कर लेना, पलटा देना, फिर हमने इसके ऊपर इस तरह से डोरी को डिज़ाइन के तौर पर एक एक गुट दूर से स्टिच कर लेना है, और इस तरीके से हमने मशीन के अंदर इस तरह पुराना है, और फिर उसे नेक के ऊपर रख कर स्टिच करेंगे। और इस नेक स्टिच कॉलर का है हमारा ये नेक, तो इसकी कटिंग का तरीका आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा, पार्ट वन नायरा कट स्टाइल में। देखिए हमारी सिलाई की सामने के जो हमारा टेंशन है उसके सामने हमने डोरी को सेट करते हुए जिस शेप में हमारा नेक है उस शेप में जमाते हुए डोरी को उसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है, और ये बहुत आसानी से अटैच हो जाएगी। एक सिलाई में ही हमारी डोरी अटैच हो रही है। तो इस तरीके से हमने इसे स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है, एक सिलाई में ही हमारा नेक पर डोरी लग जाएगी। अब इसकी थोड़ी दूर से फिर से हमने डोरी लगानी है इस तरह से, हमने तीन बार ये डोरी लगानी है। ये देखिए हमने थोड़े थोड़े दूर पर डोरी लगा ली है, और फिर हमारे नेक का शेप इस तरह से नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमने जहाँ तक हमें नेक चाहिए वहाँ तक हमने यहाँ पर पैच भी लगा सकते हैं, या मैं यहाँ पर कपड़ा लगा लूँगी।
थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। फिर से इसके ऊपर हमें डोरी स्टिच कर लेनी है, डोरी सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए हमने पैच के ऊपर भी इस तरह से डोरी घुमाते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पे हमने डोरी घुमाते हुए डिज़ाइन तैयार कर लेना है। और फिर इस पैच को हमने गले के नीचे से अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर की हमने कॉलर बनानी है तो उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। वो उस वीडियो को आप एक बार देखेंगे तो एक बार में ही आपको कॉलर बनानी आ जाएगी। वो वीडियो भी आप जरूर देखें, आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की साइड से हमने 7 इंच या 8 इंच के ऊपर यहाँ पर मार्क लगा लिए हैं नेक के लिए। ना हमें 10 की साइड से इस तरह सेट करना है इस डिज़ाइन, ठीक है। इसको बढ़ा भी सकते हैं, आपको कम चाहिए नेक छोटा चाहिए तो इस तरह से भी हम लग सकते हैं। यहाँ पर हम बढ़ा के भी छोटा रख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम 6.5 के ऊपर सेट कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक स्नेक की कॉलर का वीडियो भी आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। और स्लीव्स भी हमारे डिज़ाइनर है, इस स्लीव्स का भी वीडियो आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे की साइड से हमने इसे इस तरह से कट कर दिया है। पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है तो। बस ये यहाँ तक हमारा नेक तैयार हो गया है। और इसके ऊपर कॉलर जो बैठानी है तो उसका वीडियो मैंने आई बटन में दे रखा है। ये देखिए तैयार हुए बाद से हमारा नेक इस तरह से नज़र आ रहा है।